अस्सलामुअलैकुम, रोज न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया खटक और मैं हूँ मदीहा निसार। रोजनगर का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पिपला से, जहां पर सत्यन चौक पर ऑटो स्पेयर पार्ट्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक्स की मार्केट में आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला में सत्यन चौक पर लकड़ी और लोहे के ढाबों पर मुश्तमिल ऑटो स्पेयर पार्ट्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक मार्केट में नामालूम वजूहात की बिना पर लगने वाली आग से मजमूई तौर पर 7 दुकानें, जिनमें स्पेयर पार्ट्स और मोटरसाइकिल मैकेनिक्स की दुकानें शामिल हैं, का लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दुकानदारों ने हुकूमत से नुकसान के अजाला का मुतालबा करते हुए कहा कि वो रोड्स पर आ गए हैं, उनकी माली मुआवनत की जाए। इतना नुकसान हो गया, छोटे छोटे बच्चे हमारी वजीर अला पंजाब से अपील है कि हमारी मदद की जाए। हमारी सरदार सत्यन खान एमपीए से अपील है कि हमारी मदद की जाए। इससे हम और कुछ नहीं बना सकते, हम उनसे जो है अपील करते हैं कि हमें कुछ हमारा अजाला करें, जो है ना। दुकानदारों और अहलियाने इलाका ने हुकूमत वक्त से नुकसान के अजाला समेत रेस्क्यू 112 को फंक्शनल करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ मोहम्मद आसिफ, रोज न्यूज, तहसील पिपला, सिलमिया वाली। ईद उल फितर के करीब आते ही हैदराबाद में भी परदेसियों के अपने आबाई इलाकों में वापसी शुरू हो गई, जबकि कोरोना वायरस के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ट्रेनों में भी बेबना रश है, जबकि महकमा रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। आशिक हुसैन की रिपोर्ट। ईद उल फितर के करीब आते ही हैदराबाद से भी परदेसियों की अपने आबाई इलाकों में वापसी शुरू हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ट्रेनों में भी बेपनाह रश है, जबकि महकमा रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। मैं बुलारी एयरबेस हैदराबाद में जॉब करता हूँ और मैंने मुल्तान जाना है, और ये सूरत हाल ये है कि हम वो मोस्टली लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, और फर्स्ट टाइम ये मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ। वजह ये है कि उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ स्टेशन पे, ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद कर दी है। ट्रेनें वो हैं जो कम हैं, उनकी वजह से रश लगा हुआ है। तो इनका काम बनता था 10-11 तारीख के करीब, बसें वगैरह बंद करते, तो चलो ये है कि रश भी कम हो जाता। कुछ लोग हैं जिनके घर स्टेशनों के नज़दीक नहीं हैं, तो वो अभी स्टेशन पे आए हुए हैं, तो जब वो स्टेशन पे जाके उतरेंगे, उनके घर दूसरे शहरों में हैं, उनके जाने के लिए मसले मसाइल होंगे बहुत ज्यादा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो कि खतरनाक करार दी गई है, मगर हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ना सैनिटाइजर गेट है और ना कोई SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मगर यहाँ पे सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह आवाम बैठी है नीचे, कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है पैसेंजर के बैठने के लिए, और जैसे कि COVID-19 का बहुत ज़्यादा हर बंदे को पता है कि ये सीन चल रहा है, मगर यहाँ पे ना कोई SOPs पे अमल कर रहा है, ना यहाँ पे सैनिटाइज गेट हैं, ना ही कोई ऐसा कोई इंतजाम इन्होंने किया है। इधर SOPs का कोई इतना खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना इधर गेट सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, और मुसाफरों के लिए बहुत परेशानी है इधर, ना इधर SOPs का इतना ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए मुसाफरों को बहुत परेशानी महसूस हो रही है। मुसाफरों का ये भी कहना है कि ट्रेनों में बेपनाह रश के बायस टिकट के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज, हैदराबाद। कोरोना वायरस के बायस लगे लॉकडाउन और ईद पर लाहौर शहर दूसरे शहरों को जाने वाले परदेसी बस अड्डों पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बस अड्डे पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी मालकान मजबूरन मुसाफरों से मनचाहे किराए भी वसूल करने लगे हैं, जिस पर मजीद तफसीलात जानते हैं उबैद खान की इस रिपोर्ट में। अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांटने के लिए लाहौर शहर से दूसरे शहरों को जाने वाले परदेसियों का लारी अड्डा पर हजूम बढ़ने लगा। हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन के फैसले से लारी अड्डा पर टिकटें मुसाफिरों को मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले बस अड्डा मालकान ने हुकूमत और इंतजामिया को रिवायती तरीका बरकरार रखते हुए ठहंगा दिखा दिया और कोरोना SOPs पर तमाम पाबंदियों को हवा की नजर कर दिया। न अड्डे पर मास्क का इस्तेमाल और न कोई फासला बरकरार। मजबूर मुसाफिरों ने टिकट और गाड़ी न मिलने पर क्या कहा, सुनिए। हम लोग परदेसी लोग हैं, जिस तरह ये कहेंगे हमें तो चलना पड़ेगा, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना है ना। यहाँ पे परदेसी जितने भी हैं उन्होंने अपने घरों को जाना ही जाना है। कौन बंदा जो ईद यहाँ करेगा बच्चों के बगैर, वो कर सकता है? यहाँ बताएं जरा, ऐसा कोई सीन नहीं कर सकता ना। तो हमें छुट्टी मिलेगी, हमने जाना है ईद पे, जो टिकट ये लेंगे वो देनी पड़ेगी हमें। ले जा रहा हूँ बच्चों के साथ ईद करनी, अभी तक गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी मिलेगी तो पता चलेगा किराया का, ये नहीं मिलेगी तो वापस चले जाएंगे। ना इधर आवाम है ना गाड़ी है, अगर जो गाड़ी है थोड़ी बहुत एक आती है वो कोई डबल किराया ले लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, सवारी की मजबूरी है, घर पहुंचना उनकी मजबूरी है,
ਲਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ 300 ਕਿਰਾਇਆ 600 ਲੈ ਰਿਹਾ 600 ਵਾਲੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਫੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ बेरोजगारी इतनी है तुम्हारे सामने ही हर बंदा परेशान है। लॉकडाउन में घंटों गाड़ी का इंतजार करने वाले हर परदेसी की ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाए। लारी अड्डा इंतजामिया की लापरवाही और बस मालकान की मनमर्जी ने उन्हें बेबस कर दिया है। लारी अड्डे पर जहां कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो दूसरी जानी मुसाफिरों से मुंह मांगे किराए भी मौसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन खालिद रमजान के साथ उबैद खान, रोज न्यूज लाहौर। एबटाबाद में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतालिका महकमों की कार्रवाइयां जारी। बैन-अल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से तमाम अड्डे वीरान। ईद की छुट्टियों पर आने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नईम आवान की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी 8 मई से 16 मई तक लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम महकमे सरगर्म अमल नजर आ रहे हैं। बैन-अल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से तमाम अड्डे खाली पड़े हैं और सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। ईद की छुट्टियां गुजारने आने वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी मीलों सफर पैदल तय करके अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच रहे हैं और हुकूमत वक्त से सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। पिंडी से हम बैठे हैं, हमें अवेलिया में गाड़ी में पुलिस ने उतारा है। अवेलियों से हम पैदल आ रहे हैं अहमदाबाद तक रोजे में। ठीक है, ईद की छुट्टियों पे हम अपने घर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नईम अवान, रोज न्यूज, एबटाबाद। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 26 कारोबारी मराकज सील कर दिए गए जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट करेंगे शौकत जाम। मुल्तान में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, जिले इंतजामिया सरगर्म हो चुकी है। खिलाफ वर्जी पर 26 कारोबारी मराकज को सील कर दिया गया जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि 14 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करते हुए मजमुई तौर पर 2,30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्रेटरी आरटीए ने कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करने और 50% से जायद मुसाफरों को सवार करने पर 7 बसों को तहवील में ले लिया। दूसरी तरफ कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामी अफसरान ने रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टेशन समेत मुख्तलिफ मार्केट्स में गश्त किया। जिले इंतजामिया ने अवाम से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने की अपील की है। शौकत जाम, रोज न्यूज, मुल्तान। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमत की तरफ से पंजाब भर में 8 रोज के लिए लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं जिसका आज तीसरा रोज है। डस्का मैन बाजार में दुकानदार शटर डाउन करके कारोबार कर रहे हैं जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। राणा मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह डस्का में भी हुकूमत की तरफ से लगाया गया लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की तरफ से बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते कनाते लगाकर बंद कर दिए गए हैं मगर इसके बावजूद ईद की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों का आना जाना जारी है मगर इंतजामिया की तरफ से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा और दुकानदार शटर बंद करके कारोबार कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की रोजी तो कमानी है ना हम लोगों ने, क्या करें हम। 8 दिन में 1000 रुपया रोज का किराया देते हैं इधर बैठने का, कहाँ से लेके 8 दिन में 8000 रुपया किराया चला जाएगा, तो क्या करना है, बच्चों के कहाँ से कमा के लाएंगे। ये लॉकडाउन जो है ना, हमारी वाम जो है ना इसको फॉलो नहीं करती। ठीक है, सबको पता है कि वाम बाद आने वाली नहीं है। कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए हुकूमत ने तो लॉकडाउन लगा दिया, अब इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी दुकानदारों और ग्राहकों पर ही आयद होती है। इंतजामिया अगर हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करवाए तो कोरोना वबा में कमी वाकया हो सकती है। राणा मोहम्मद अफजल, रोज न्यूज, डस्का। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लॉकडाउन के अहकाम के बावजूद लकी मरवत में इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। बाजारों में दुकानें खुली हैं और कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे वलीद खान मरवत। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लॉकडाउन के अहकाम के बावजूद लकी मरवत में लॉकडाउन में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बाजार मुकम्मल खुला है जिससे अवाम में शदीद खौफ हैरास पैदा हो गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कोरोना एसओपीज और सवार लॉकडाउन में इंतजामिया ताज बरादरी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। बाजार की तमाम दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रही। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद में इंतजामिया
मुकम्मल तौर पर भी बस हो चुकी है, जिससे यहाँ कोरोना दोबारा पंजे गाड़ सकते हैं। अवामी हल्कों ने फौरी तौर पर कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ वलीद खान मरवत, रोज न्यूज लक्की मरवत। और नाजरीन, कोरोना से पैदा शुदा मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल में ननकाना साहब के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि वहाँ जिले इंतजामिया की तरफ से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा सकें। रिपोर्ट करेंगे अरशद डोगर। जिले महकमा सेहत ननकाना साहब की तरफ से लोगों की सहूलत के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, वहां शहरियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। दो सेंटर बनाए थे, एक ननकाना और एक शाहकोट में, फिर लेटर ऑन सांगला हिल ऐड हुआ। अभी हम 4 सेंटर और ऐड करने जा रहे हैं, वार बटन के अंदर, मोड़खुंडा के अंदर, मंडी फैजाबाद और बड़ागढ़ के अंदर। मकसद सिर्फ यह है कि लोगों को आसानी पैदा की जाए और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो हो। शहरियों ने वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाने को खुशायंद करार देते हुए पंजाब हुकूमत और जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। इधर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और फ्री वैक्सीन लग रही है, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। फ्री इधर गुरुद्वारा तम्बू साहब में वैक्सीन लगवाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे और आला इंतजाम किए हैं, जिसका हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। इंतजामिया की तरफ से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाने से लोगों को वैक्सीन लगवाने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। मोहम्मद अरशद डोगर, रोज न्यूज, ननकाना साहब। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुजम्मिल इलियास ने बेस बदलकर मोटरसाइकिल पर बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों की ग्रामफरोशी की अवामी शिकायत पर बाजार में गोश्त, फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के रेट चेक किए। जी हां, आपको बताएं, उन्होंने रेड लिस्ट से ज्यादा कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों को मौके पर भारी जुर्माने आयद किए। उन्होंने दौरान चेकिंग इन दुकानदारों को भी जुर्माने आयद किए जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजम्मिल इलियास ने दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा कि रेड लिस्ट से ज्यादा कीमत पर अशिया खुरनोश फरोख्त करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें, बसूरत दीगर जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहें। उधर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सिटी रमजान बाजार का अचानक दौरा किया और अवामी मुतालबे पर फौरी 2 किलो चीनी मुहैया करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सिटी रमजान बाजार का अचानक दौरा करके अशिया खुरनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और सिक्योरिटी और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने रमजान बाजार में शहरियों को इज्जत के साथ मुहैया की जाने वाली सर्विसेज का जायजा लिया। उन्होंने रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल्स पर सार्फीन को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया, जहां मर्द, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए बैठने के अलग अलग मुनासिब इंतजाम किए गए थे। लोगों ने DP और CDC से 2 किलो चीनी की दस्तियाबी का मुतालबा किया तो उन्होंने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन इंतजामात का मकसद सार्फीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया करना है, ताकि रमजान बाजार में उन्हें खरीदारी के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मांगा मंडी के इलाके चौहंग में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार का आज आखिरी रोज है। हुकूमत और जिले इंतजामिया लाहौर की जानिब से किए गए इकदाम को शहरियों ने सराहा। रिपोर्ट करेंगे जीशान भट्टी। चौहंग में लगाया गया सस्ते रमजान बाजार का आखिरी रोज हुकूमत और जिले इंतजामिया लाहौर की जानिब से किए गए इंतजाम को शहरियों ने सराहा। शहरियों का कहना था, जिस तरह सस्ते रमजान बाजार में लीफ दिया गया, इसी तरह आम दिनों में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल रखे, ताकि शहरी आसानी के साथ चीजें खरीद सकें। इस मौके पर सस्ते रमजान बाजार के मैनेजर अहमद और इंचार्ज शब्बीर का कहना था, बाजार लगवाने चाहिए, ताकि ये सब्जी का सिलसिला जो है पूरा साल वहाँ पहुँचता है। पूरा महीना आवाम को यहाँ पे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। वज़ीर-ए-आला पंजाब शिकायत सेल के नुमाइंदे राणा शेब अली खिजरी का कहना था, आटा, चीनी और दीगर दूसरी 13 चीजें थी, उनसे सब्सिडी दी गई थी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि रमजान बाजार की तरह पूरा साल इन्हें रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के अमराज़ शान भट्टी, रोज न्यूज, मांगा मंडी।
रुख करते हैं भागडावाला का, जहां सरकारी रेड लिस्टें हुई दुकानों से गायब। गोश्त खाना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन कर रह गया। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात रफाकत अली चौधरी की इस रिपोर्ट में। भागडावाला में कसाब हुए इंतजामिया से बेकाबू, सरकारी रेड लिस्टें हुई गायब। कसाबों ने किया खुद सख्त महंगाई का तूफान बरपा। गोश्त के मनमर्जी के रेट वसूल किए जाने लगे। अब गोश्त खाना गरीब आवाम के लिए ख्वाब बन कर रह गया। गरीब आवाम हुई खुद साख्ता महंगाई से शदीद परेशान, जहां आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत का बहाना बनाकर अशियाए खुर्दनोश आवाम की पहुंच से दूर कही गई। वहीं पर कसाब भी इनसे पीछे ना रहे। बड़े गोश्त का सरकारी रेट 400 रुपये होने के बावजूद सरेआम 500 रुपये वसूल किए जाने लगे, जबकि ईद करीब आते ही मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। मुर्गी के गोश्त ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए चौथी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली और इस वक्त 450 रुपये बिकने लगी। इसी तरह बकरे का गोश्त 800 रुपये रेट होने के बावजूद सरेआम 1200 रुपये तक फरोख्त किया जाने लगा, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा और प्राइस कंट्रोल टीमें खामोश तमाशाई का रोल अदा करने लगी। मेरी गुजारिश है कि बड़े गोश्त का रेट जो है 400 रुपये हुकूमत रखता है, जबकि मार्केट में यही गोश्त 500 के हिसाब से मिल रहा है। आप अब ये बताएं कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी? मुर्गे का गोश्त है तो वो 450 रुपये से मार्केट में बेचा जा रहा है। जी पाकिटा वाले तो ऐसे मजदूर बंदे हैं जनाब, तो इतने पाकिटा वाले जो ईद हफ्ता पूरा रहा है तो गोश्त 500 रुपये किलो होया पे है। ना कोई दाल लैके खा सकता है, ना कोई सब्जी लैके खा सकता है। तो साड़ी दरख्वास्त है इस हिसाब से वो आके इन्होंने रेट जो मखसूस करे आके, इतने कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसने वाला नहीं पाकिटा वाले बेच। भागडावाला की आवाम का कमिश्नर सरगोधा, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा जनाब उमर दराज गोंदल से कसाबों के खिलाफ खुद साख्ता महंगाई पर एक्शन लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ रफाकत अली चौधरी, रोज न्यूज भागडावाला। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। और जनाब मीठी ईद आते ही सवैयों की मांग में इजाफा हो जाता है। अगर बात करें जलालपुर पीरवाला में गंदम के आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सवैयों की, तो जायके और लज्जत में इनका कोई सानी नहीं है। रिपोर्ट करेंगे काशिफ हाशमी। मीठी ईद करीब आते ही सवैयों की मांग में इजाफा हो जाता है। और बात करें गंदम आटे और मैदे से तैयार होने वाली लच्छे वाली सवैयों की, तो जलालपुर पीरवाला में भी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए लच्छे वाली सवैयां घर में तैयार की जाती हैं, जो कि गंदम आटे और मैदे को गूंदकर बिल्ले यानी मशीन की मदद से सिवैयों के लच्छे तैयार किए जाते हैं और लंबी तार पर इन्हें 6 घंटे खुश्क किया जाता है और फिर इन लच्छों को काटकर पैकेट्स में बंद करने के बाद मार्केट में फरोख्त किया जाता है। पहले हम हाथों के जरिए माल पूरा करते थे, अब मशीनों के जरिए उससे भी ज़्यादा माल बनता है, लेकिन माल पूरा फिर भी नहीं होता। कई मनों के हिसाब से ईद के मौके पर हम माल मार्केटों में सप्लाई करते हैं, इसके लच्छे बनते हैं, लच्छों को हम पैकेटों में पैक करके उसको मार्केट में सप्लाई देते हैं। लच्छे वाली सिवैयां जायके और लज्जत में बेमिसाल होने के साथ साथ सेहत अफजा भी हैं, जिनकी मांग ईद के मौके पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये लच्छे वाली सिवैयां हमारे इलाके की सौगात है, ये आटे और मैदे से बनती है, इसे लोग बहुत पसंद करते हैं, शहरी लोग भी बहुत यूज़ करते हैं और ईद पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये, ईद पे तोहफे तवाइफ में भी इस्तेमाल होती है ये हमारे शहर में 12 महीने चलती हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा ईदों पे चलती हैं और ईदों पे ये बहुत शार्ट हो जाती है क्योंकि हर शहरी ये पसंद करता है। अच्छे वाली सिवैयां सबकी पसंद होने के साथ साथ इन्हें तैयार करने वालों की मेहनत और लगन भी दीदनी है। कैमरा टीम के साथ काशिफ हाशमी, रोज न्यूज़ जलालपुर पीरवाला। और नाज़रीन अगर मीठे में सवैयां ना हो तो ईद अधूरी रहती है। ईद के मौके पर हाथ से तैयार की जाने वाली सवैयों का मजा ही अपना है। देसी सवैयां ईद के लिए सबकी मन पसंद होती हैं। देसी सवैयां कैसे तैयार की जाती हैं, बता रहे हैं करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद आसिफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र आए मिठास रंग लाए। ईद उल फित्र के आते ही एक तरफ बाजार में सिवैयों के स्टॉल्स लग जाते हैं, दूसरी जानिब करोड़ लालिसन में आज भी हाथ से बनी सिवैयां तैयार की जाती हैं। लोहे की मशीन को चारपाई से जोड़कर मैदे का गोला मशीन में डाल दिया जाता है और हाथ की मदद से मशीन को चलाया जाता है, जिससे खूबसूरत सिवैयां तैयार होना शुरू हो जाती हैं, जिनका जायका मुनफरिद और लजीज होता है। सिवैयां बनने से सूखने तक के मरहले में निहायत एहतियात से काम लिया जाता है। खलूस
और मोहब्बत से बनी हुई इन सिवैयों के तोहफे रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को हमेशा याद रहते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खान, रोज न्यूज, करोड़ लालिसन। जिला मालाखंड में बड़ी कार्रवाई, खुफिया इतला पर खार बठेला में की गई। इस कामयाब कार्रवाई में दौरान नाकाबंदी एक मोटरकार से भारी मिकदार में अफ्यून बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मालाखंड से रिपोर्ट करेंगे अबू आमिर। डिप्टी कमिश्नर मलाकन सुहेल खान की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल अहमद खान ने लीव सुबेदार मेजर परिदुल्ला के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए खार के इलाके में नाकाबंदी के दौरान बाजावर से पिशावर जाने वाली एक मोटरकार के खुफिया खानों से 14,880 ग्राम अफीम बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गाड़ी भी तहवील में ले ली गयी। इस कामयाब कार्रवाई पर ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी कमिश्नर सुहेल खान का कहना था कि शाम 5 बजे के करीब एक गाड़ी आ रही थी जिसको मलकंड खार रोड पे एक नाकाबंदी के जरिए रोका गया और इस गाड़ी की तलाशी लेने के बाद पता चला कि वहाँ से तकरीबन 14,880 ग्राम अफीम बरामद की गई। ये कार्रवाई सूबेदार मेजर साहब की सरबराई में हुई और इसमें एसएम इन्वेस्टिगेशन और पोस्ट कमांडर मलकंड थाना भी मौजूद थे, उनके अहलकार मौजूद थे। ये कामयाब कार्रवाई की गई, इसमें जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है जियाउल्ला, उसका ताल्लुक बाजवर से है, उसको गिरफ्तार किया गया और मजीद कार्रवाई और तफ्तीश के लिए मलाकंड थाने के हवाले किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुहेल खान का मजीद कहना था कि इतनी बड़ी कामयाबी मलाकंड लीविज और असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल अहमद खान की अंतक मेहनत की बदौलत मिली है और इसी तरह की कामयाब कार्रवाइयों का नतीजा है कि मलाकंड में जराइम की शरह दिन ब दिन कम हो रही है, जबकि मंशियात पुरुषों की सरकूबी के लिए दिन रात एक करके उनका ताकुब किया जा रहा है। इधर अवामी इलाका ने इस कामयाब कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर सुहेल खान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। अबू आमिर, रोज न्यूज, मालाकंड। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएंगे पाक फौज के जवान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मुल्क भर में मुतहरिक हो गए हैं। जवानों की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ मार्केट्स में मास्क तकसीम किए गए। फौज के जवानों ने शहरियों को कोरोना एसओपीज से मुतालिक भी आगाह किया। जवानों की तरफ से शहरियों में राशन और इफ्तारी का सामान भी तकसीम किया गया। लॉकडाउन और ईद की आमद पर फौज के जवान फ्रंट लाइन पर पेश नजर आ रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाक फौज के जवान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मुल्क भर में मुतहरिक हो गए हैं। जवानों की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ मार्केट्स में मास्क तकसीम किए गए। फौज के जवानों ने शहरियों को कोरोना एसओपीज से मुतालिक भी आगाह किया। जवानों की तरफ से शहरियों में राशन और इफ्तारी का सामान भी तकसीम किया गया। लॉकडाउन और ईद की आमद पर फौज के जवान फ्रंट लाइन पर पेश नजर आ रहे हैं। रोज़ नगर के इस बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिएगा।